राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आपके लिए एक और नए सफ़र की तैयारी में हूँ और अभी 5 मिनट बाद घर से निकलने वाला हूँ। मेरी इजा है, यात्रा शुरू करने से पहले इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और ये मार्केट है, अभी मार्केट से गुजर रहा हूँ। ये है आनंद विहार। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए, और ये रास्ता है आनंद विहार बस अड्डे के लिए। कार्य प्रगति पर है और ये है आनंद विहार मेट्रो स्टेशन। आनंद विहार बस डिपो, जहाँ यूपी और उत्तराखंड के लिए बस जाती हैं। और यहाँ से मिलेगी उत्तराखंड के लिए बस। अब मैं जा रहा हूँ काठगोदाम। कभी काठगोदाम भारत के स्वच्छ प्लेटफॉर्मों में नंबर एक हुआ करता था, लेकिन इसका नंबर अभी राजस्थान के जयपुर ने काट दिया है। यह है काठगोदाम का रेलवे स्टेशन, छोटा सा स्टेशन है। खूबसूरत इंजन का मॉडल। सुबह के 5 बजे हैं और मैं काठगोदाम में हूँ। इस रोड का नाम है रानीखेत रोड, और ये रोड जाता है काठगोदाम रेलवे स्टेशन के लिए। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और इसके बाद ठंड का मज़ा बढ़ जाएगा। पहाड़ियाँ इस स्टेशन की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। भारतीय सेना के जवान तिरंगे की शान को बढ़ाते हुए। अभी मैं काठगोदाम से ऊपर रानीबाग में आया हूँ, चित्रशिला तीर्थ। यह है चित्रशिला तीर्थ। आज रात को यहाँ पर विशेष पवित्र कार्य होना है। नेपाल कुमाऊँ गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड, यहाँ से आएंगे क्षत्रिय समाज के वो व्यक्ति जिन पर देवी देवता आते हैं, और यहाँ लगेगी आज जागेरी। मैं पहली बार आया हूँ, पिछली बार प्लान बनाया था, लेकिन ठीक 12 तारीख को मुझे बुखार आ गया था, और फिर एक साल बाद मैं यहाँ पे आज पहुँच चुका हूँ। पे आज पहुंच चुका हूं। अब प्रस्थान कर रहा हूं मंदिर की ओर। और यहां पर है प्राचीन गुफा, इस पे लिखा है जय जिया माता। ये हम कतीरियों की राजमाता थी, जिनके आदेश पर 9 लाख कतीरियों ने युद्ध किया। ये है गोला नदी। रॉक्स आप इस शिला को देख रहे हैं, इसका नाम है चित्र विचित्र महादेव, जो पुण्य काशी में प्राप्त होता है वो यहाँ भी प्राप्त होता है।
चित्रशिला महादेव। आप देख सकते हैं एक ही शिला में कई रंग के पत्थर और अनगढ़े पत्थर हैं। कहा जाता है, स्कंद पुराण में लिखा है, देवताओं ने एक शिवलिंग बनाया था जो मणि माणिक्य मोती से जड़ा हुआ था। मुगल सेना से युद्ध करते हुए माता जिया घायल हो गई थी, तो यहाँ नज़र आके वो फिर ऊपर नज़र आईं और एक गुफा में उन्होंने प्रवेश कर लिया और वहीं समाधि लगा ली। इसके बाद मैं आपको उसी गुफा की तरफ ले जाऊंगा। आप देख सकते हैं ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है। एक बार फिर मेरा जहाज नदी किनारे आके डूब गया है। पिछली बार मुझे यहाँ पे आना था, ठीक 12 तारीख को मुझे बुखार हो गया और मैं नहीं आ पाया। और इस बार जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे मालूम हुआ कि मकर संक्रांति 15 तारीख को होनी है। शायद इस बार भी माता रानी कृपा मुझे नहीं मिली। अब आपको लिए चलता हूँ माता रानी के मंदिर में, जहाँ पर वो गुफा में समाई थी। पहले यहाँ से उतरा और अब फिर ऊंचाई पर चढ़ना होगा। हरियाली है, आम के बगीचे हैं, और इस मार्ग से जाऊंगा अब माता जिया रानी के मंदिर में। और यहाँ पे है पौराणिक शिवालय और ये है वो पुरानी गुफा। हाँ, इसको मरम्मत करके ठीक कर दिया है ताकि पत्थर गिरे नहीं। और वहाँ पे विराजमान है रानी जिया माता। माता के दरबार में घुटने टेक के जाना होता है क्योंकि सुरंग टाइप बनी हुई है। आप देख सकते हैं इसे मजबूती प्रदान करने की कोशिश की गई है। आपने चित्र विचित्र शिला के बाद बताया था कि माता एक बार वहाँ नजर आई थी, उसके बाद माता सीधा यहाँ नजर आई थी, तो जिया माता इस गुफा में आकर ध्यान हो गई। पीछे आपको लाल रंग का जाली सी दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ से रास्ता था गुफा का जो जाता था हरिद्वार के लिए। माता इसके अंदर आ गई और अंदर ध्यान हो गई। बजरंग बली और ये शिला है पुरानी। मित्रों, घर के बुद्धू घर लौट के आए वाला हाल मेरे साथ हो गया है। कोई बात नहीं, जिंदगी सलामत रही तो अगले साल। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद।